निशान साहब डीजे को रेडी करें काइंडली प्लीज। खबर शामिल करेंगे अमेरिका से, जहां एयरपोर्ट पर नौजवान से पाकिस्तानी होने का सबूत मांगा गया। नौजवान ने जूस पी कर हारी डब्बे का पटाहा मारकर पाकिस्तान से वरहाना मोहब्बत का इजहार किया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे कि इधर सुपर स्कूल में एक ही वक्त में बच्चों को मुस्कुराते देखा गया। लगता है क्लास में टेस्ट नो की अनाउंसमेंट हुई है। बच्चों की मुस्कुराहट देख कर नवीद साहब परेशान हो गए। 24 घंटों में बिलाल साहब से रिपोर्ट तलब कर ली। जराए के मुताबिक हमारी माँ ये नहीं कहती कि कमरा साफ करो, बल्कि ये कहती हैं कि कुत्ता भी बैठता है तो अपनी जगह साफ करके बैठता है। साथ साथ हौसला अफजाई भी की जाएगी बच्चों की। डीपी चेक करने वाला भी किसी साइंसदान से कम नहीं। मुहक्किकीन का दावा, कुछ लड़कियां बच्चों को चॉकलेट खाकर खुद ही कहती है चॉकलेट तो चुड़ैल खा गई। माहिरीन के मुताबिक खुद भी अरबी सीखो और अपनी बीवी को भी अरबी सिखाओ, ताकि जब कभी घर में लड़ाई हो तो मोहल्लेदारों को लगे कि इस घर में दुआएं हो रही हैं। जराए के मुताबिक आज तमाम पुराने शागिर्दों और उस्ताजा का आपस में मिलाप और इसमें खुशी की लहर। उनके चेहरे देखकर लगता है कि वो सब बहुत खुश है और उस खुशी की वजह सुपर स्कूल बदना के एंड की सदीक अहमद साहब को जाती है। मजीद खबरें जाने मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। जब्त करके म्यूजियम में लटका दी गई। बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में मल्लाहों का रश। सर बिलाल ने जुसफा स्कूल में बड़ी मुश्किल से आम का दरख्त उगाया, जो कि अब बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन स्कूल के तमाम तलबा उससे मरते तौर पर बड़े मज़े मज़े से खाते हैं। गर्मियों में काम करना ही छोड़ देता है। जराए के मुताबिक आज की ये तकरीब सफर स्कूल के 25 साल मुकम्मल होने के आगाज मुनक्किद की गई है और मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह इस इदारे को मजीद तरक्की अता फरमाए। लेकिन बहुत ही अहम बात जो